Let's see how and why transition elements form coordination compound. Coordination compound जो कि हमारे class 12 का एक separate chapter भी है coordination complexes और coordination compounds. And why only D block elements form coordination compounds? So let's see that what is the reason behind it. So coordination compounds are those compounds which cannot be separate into ions in the aqueous solution. ऐसे कंपाउंड जिसे अगर हम एक्वस सॉल्यूशन या उनका सॉल्यूशन बनाए तो वो सेपरेट आयंस में डिसोसिएट्स नहीं होते हैं एंड जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और coordination complex and what are the coordination compounds? Coordination compounds जो होते हैं normally इसमें central metal atom होता है जिसे हम लोग capital M से represent करते हैं and with that a negative or neutral group of atom और atom जो वो attach होता है जिसे हम ligand कहते हैं. तो यहाँ पे जो neutral है या हमने यहाँ पे ligand देखते हैं ना ligand जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एंड इफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज हैविंग नेगेटिव साइन और एनी साइन एनी नंबर देन वी विल से इट इज अ एनायनिक आइडेंटिटी क्योंकि नेगेटिव साइन है एनायनिक आइडेंटिटी. और अगर जो कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो M है ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है और साथ में लीगेंड लीगेंड जो है वो ग्रुप ऑफ एटम न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकता है और इस तरह से हम बात करेंगे अगर इसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो वी कैन से इट इज अ कैटायनिक कैटायनिक आइडेंटिटी. अब ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. एक जो कॉम्प्लेक्स उसमें दो पार्ट होंगे एक पार्ट जो है वो एनायनिक होगा और दूसरा पार्ट जो है वो कैटायनिक होगा. तो वो जो है दैट इज ऐसे कंपाउंड जिसमें कि टोटल जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारा एनायनिक है और पॉजिटिव है तो वो कैटायनिक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लिखी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा इस तरह ब्रैकेट में लिखे जाते हैं जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे अगर आप डिसोशिएट करना चाहें तो वी कैन डू इट. हम लोग उसे डिसोशिएट अलग अलग आयंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट इज जिंक. जिंक के साथ मैंने यहाँ पे अमोनिया लिख दिया है और अमोनिया के हमने टोटल 4 नंबर लिखे हैं और यहाँ पे हमने साथ में जब ये एक ऐसी आइडेंटिटी है ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है और इसे हम लीगेंड कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम और ये है सेंट्रल मेटल एटम. तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हमने ओवरऑल चार्ज जो है वो 2+ रखा. एक बात याद रखनी है जब भी हमारा लीगेंड जो है वो न्यूट्रल होगा तो जो चार्ज है वो प्लस का होता है और जब भी हमारा जो लीगेंड है वो नेगेटिव हो तो चार्ज भी जो है वो नेगेटिव होता है. जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दैट इज निकल और साइनाइड लगाया. साइनाइड के हमने 4 टोटल एटम लगाए हैं ओवरऑल चार्ज जो है हमने वो नेगेटिव लगा दिया. तो ये हमारी कैटायनिक आइडेंटिटी है ये हमारी एनायनिक आइडेंटिटी है. ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है सेंट्रल मेटल एटम और ये हमारा लीगेंड है. लीगेंड नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. यहाँ पे लीगेंड जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे लीगेंड जो है वो न्यूट्रल है. इस तरह का जो कंपाउंड बनता है जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और साथ में ये जो हमने अंदर सिंपल ब्रैकेट लगाई है इसे हम पैराथेसिस कहते हैं. तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं दैट इज मेड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो जिंक है दैट इज अ डी एलिमेंट
वैसे तो हम जिंक को डी एलिमेंट कंसिडर नहीं करते एट ग्राउंड स्टेज बिकॉज और एट अ एटॉमिक स्टेज इट इज हैविंग अ फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, बट बीइंग अ लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ये डी ब्लॉक एलिमेंट काउंट होता है। तो यहाँ पे इसका बना हुआ हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पे हमने निकल का यूज किया है, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, यहाँ पे निकल है जो कि डी एलिमेंट है, डी एलिमेंट है। एंड एक हम और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज प्लैटिनम Cl4। हमने प्लैटिनम के साथ क्लोराइड लगा दिया है, क्लोराइड के टोटल फोर मॉलिक्यूल्स लगा दिए हैं और ओवरऑल चार्ज हमने नेगेटिव। ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम को हम Cma भी कह सकते हैं और इसे हमने लिगेंड भी पढ़ लेना है। लिगेंड है, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, उसके पीछे रीजन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के पीछे। पहला रीजन है दैट इज स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब ये यहाँ पे जो ये लिखा गया आयनिक में फॉर्म में हो जाएगा एंड आयन, इसका साइज बहुत छोटा होता है एंड आयन में क्यों है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है, इनकी खास बात है दे आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड दैट इज क्यों होता है, दैट इज और इज दैट दैट इज लिखेंगे दैट इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और दूसरा कारण है यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। यहाँ पे पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको मिलेगा, ये जो कारण है इस कारण से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। सो दीज आर द रीजन, एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल वैकेंट पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड दैट इज व्हाई दे आर फॉर्मिंग दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।